क्वालिटेटिव डेटा के बारे में हमने बहुत बातें कर ली, अब क्वालिटेटिव डेटा की फर्दर टाइप्स को देखने वाले हैं। क्वालिटेटिव डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसे आप ऑब्जर्व करते हैं, वो काउंटेबल नहीं होता, वो मेजरेबल नहीं होता। क्वालिटेटिव डेटा को हम कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं, और क्वालिटेटिव डेटा को फर्दर कैसे मेजर किया जाता है अगर वो काउंटेबल नहीं है या वो काउंटेबल के अलावा मेजरेबल नहीं है, सो हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्वालिटेटिव डेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर के अंदर एग्जैक्टली वो ही चीजें हम देखने वाले हैं। अगर आप इस समर के बूट कैंप के अंदर जहां पर डेटा एनालिस्ट में आपको बना रहा हूं सीखना चाहते हैं तो प्लीज रजिस्टर नाउ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेट्स जंप इनटू इट। स्क्रीन आपके सामने हाजिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगोरिकल डेटा, हम क्वालिटेटिव डेटा को कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं, वो डेटा जो ग्रुप्स के अंदर होता है, डेटा ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज। से फॉर एग्जांपल हम कैटेगोरिकल डेटा की अगर बात करें तो हमारे पास एक ऐसा डेटा जो बेसिकली डेटा ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज हो, वो कौन सा डेटा होता है, वो हमेशा क्वालिटेटिव डेटा ही होता है, क्वालिटेटिव डेटा। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्लड टाइप, आप में से, मैं क्लास में से सभी से पूछता हूं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आप बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं यहां पे डेटा लिखता हूं कि ए बी पॉजिटिव वाले 50 लोग हैं, ठीक है, ए पॉजिटिव वाले 30 लोग हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने 30 लोगों को ग्रुप किया है बेसिकली इस कैटेगरी में, 50 लोगों को ग्रुप किया है इस कैटेगरी में, सो दैट इज हाउ वी से कि ये ग्रुप्ड डेटा है इनटू कैटेगरीज, यानी कि ये कैटेगोरिकल डेटा क्या करता है, ग्रुप करता है डेटा को इन कैटेगरीज। ब्रांड नेम्स, अगर आपने किसी भी ब्रांड की कोई चीज पहनी हुई है तो वो भी एक ग्रुप हो गया। टाइप्स ऑफ कुजीन, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन कुजीन की बात करें तो ग्रुप ऑफ डिशेस, डिश या डिशेस जो भी इसका सिंगुलर या प्लूरल है, तो अगर आप उनको डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स तो वो कुजीन आ जाता है। उस तरह का इंडियन कुजीन में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिश होगी और दूसरे कुजीन में चाइनीज में डिफरेंट होगी, इटालियन में डिफरेंट होगी, ठीक है। एंड दिस इज यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन एंड सॉर्टिंग, इजियर टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट। जब भी हम डेटा को ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं तो हम कैटेगोरिकल डेटा यानी कि क्वालिटेटिव डेटा का सहारा लेते हैं। आप या तो क्वालिटेटिव डेटा को ऑब्जर्व करते हैं और क्वालिटेटिव डेटा को कैटेगोरिकल डेटा भी बोल सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कौन सा कलर पसंद है तो आपकी ऑब्जर्वेशन की बेस पे अगर आप, मैं 50 बंदों को रेड कलर में और ब्लू कलर के अंदर 30 बंदों को अगर मैं ग्रुप करता हूं तो ये भी हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा बेसिकली आप ऑब्जर्व करते हैं या आप अक्सर औकात उसको टेस्ट के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली इन क्वांटिटेटिव मैनर बट टू ग्रुप दैट पीपल इन टू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक हो गया। ये सॉर्टिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अहम होता है। दिस लैक्स न्यूमेरिकल डेप्थ, नॉट सुटेबल फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर श्योर। क्वालिटेटिव डेटा सिर्फ ग्रुपिंग के लिए और मल्टीपल क्लासिफिकेशन या सॉर्टिंग के लिए यूज होता है बट नॉट फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस। और कैटेगोरिकल डेटा के डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी होते हैं। अब दो किस्म के डेटा टाइप्स हैं जिसे हम ऑर्डिनल एंड नॉमिनल डेटा बोलते हैं, और इसके बारे में हमने पढ़ा है। ये दोनों कैटेगोरिकल डेटा की टाइप है, कैटेगोरिकल डेटा विद इन विद अ क्लियरिंग ऑर्डर और ये लॉजिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। विदाउट अ लॉजिकल ऑर्डर इसके अंदर नॉमिनल डेटा होगा, अगर आपके पास कोई ऑर्डर हो तो वो आपके पास ऑर्डिनल डेटा है। सो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ये आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़े हैं जब हमने स्केल्स ऑफ या स्केल्स और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट जब हमने देखे थे तब हमने इन दोनों डेटा सेट्स को देखा था। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अगर हम रेटिंग करें कि गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर एंड बेस्ट, तो ये तीनों रेटिंग बेसिकली डिफरेंट ऑर्डर रखती हैं। फिर आपके पास आ जाता है क्लास के रैंक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये रैंकिंग जब भी आएगी ये आपके पास ऑर्डिनल डेटा होगा, ये कैटेगोरिकल डेटा की आगे फर्दर टाइप है। हमेशा आपने नॉन न्यूमेरिकल डेटा को ही यहाँ पे देखना है, न्यूमेरिकल डेटा को नहीं देखना। दिस इज यूजफुल फॉर रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग डेटा। जब वही क्लासिफिकेशन रैंकिंग के बेस पे आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा, और अगर उसमें कोई रैंक ना हो तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनल डेटा, ठीक है। इसमें आ जाता है जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसमें इंटरवल होते हैं बिटवीन द रैंक which may not be equal. मिसाल के तौर पे first और second का जो difference है, that could be 5 number का difference, 1 number का difference या 2 number का difference, ठीक है? First, second और third position का. So ये equal हो या ना हो doesn't matter, क्योंकि आपके पास rank जो है वो matter करते हैं, उनका interval matter नहीं करता। Lacks depth and order limited analytical use. जो आपके पास nominal data है इसके अंदर order होता ही नहीं है, तो इस वजह से ये lack करता है उस चीज के अंदर। अब आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि जब कभी भी आपने categorical data की बात करनी है तो आपके पास दो किस्म का data होगा, ordinal and nominal data। और categorical data को हम qualitative data भी बोल देते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था continuous and discrete data, जो quantitative data की type थी या numerical data की type थी। अब हमने categorical and ऑर्डिनल और उसका नॉमिनल टाइप पड़ी है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।
ये जो हमारा कोर्स है ये बेसिकली 6 माह का नहीं सॉरी ये जो हमारा कोर्स है ये 6 माह का नहीं, मैंने गलत बोला था, 3 माह का कोर्स है और वो डेटा एनालिस्ट समर बूट कैंप के नाम से हाजिर है 2024 में जून जुलाई और अगस्त के अंदर 3 माह में मैं आपको डेटा एनालिस्ट बनाकर छोड़ूंगा इंशाल्लाह। क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, डेटा की बेसिक जो अभी आप पढ़ भी रहे हैं बेसिक्स ऑफ डेटा, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बी आई, टैबल्यू और SQL, देन पाइथन और फिर मार्कडाउन, इंशाल्लाह ये सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया हुआ है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।